तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले में क्वेश्चन में देखो, इसमें कहते हैं कि फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स आपको दिखाया गया है। इफ द बॉडी मूव हॉरिजेंटली विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ये बॉडी पूरी की पूरी हॉरिजेंटल में इधर जा रही है, जिसकी स्पीड, ये पूरी की बॉडी इधर मूव कर रही है और जिसकी स्पीड यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, और इस स्पीड की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 5 मीटर पर सेकेंड इधर को डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, इस पे नंबर ऑफ फोर्सेस देखो, ठीक है। तो 300 न्यूटन इधर लग रहा है, जो कि तो द वैल्यू ऑफ द पी एंड एस, पी और एस की हमें वैल्यू निकालनी है। तो पी और एस कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। देखो पी और एस कितना है, तो 2000 न्यूटन नीचे लग रहा है, 2000 न्यूटन यहाँ नीचे लग रहा है, और एक पी फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। और जो एस है, दो एस ऐसे लग रहे हैं ऊपर की डायरेक्शन में, ये एस और ये एस। तो देखो, सिंस स्पीड इसका कांस्टेंट है, स्पीड क्या है भाई, कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सलेशन सिस्टम का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सलेशन सिस्टम का जीरो चला जाएगा। तो अगर इसका एक्सलेशन जीरो चला जाएगा, तो तुम देखोगे यहाँ पे जो पी है, समेशन ऑफ नेट फोर्सेज एलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में फोर्स आ रहे हैं उनका सम तो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पी की वैल्यू तो 300 न्यूटन होगा, तभी तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो आएगा। नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सलेशन जीरो है, तो नेट फोर्स भी तो जीरो है एक्स एक्सिस में, और नेट फोर्स वाई एक्सिस में भी जीरो होनी चाहिए। तो 300 न्यूटन इधर लग रहा, तो पी को इधर लगना पड़ेगा 300 न्यूटन, तब जाके तो 300 बैलेंस होगा। तो मतलब यहाँ से, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ये सही नहीं है, या तो ये सही है या तो सही है। एस निकालो वर्टिकल में, देखो नेट समेशन ऑफ फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस मस्ट भी जीरो होगा। तो यहाँ से वाई एक्सिस में 2s + s जो ऊपर लग रहे हैं, नीचे के बैलेंस के बराबर होंगे, मतलब 2s आ जाएगा। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1000 न्यूटन, मतलब जो एस होगा 1000 न्यूटन होगा। और ये इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है। थैंक यू।